हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश आर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर सॉल्यूशन फास्ट रिवीजन करेंगे यहां पर थ्री का और देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट पर बात करते हैं उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चंस भी देखेंगे सो ओवरव्यू यहां पे दिया गया मतलब सारे के सारे फॉर्मूले एक तरीके से बताए गए हैं तो आइए करते हैं इनके सारे के सारे फॉर्मूलों को सबसे पहला है एलेवन पॉइंट वन पॉइंट वन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाई द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखिएगा दीज आर द दीज आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कोई भी रैंडमली लाइन अगर जा रही है तो वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है सपोज एक एंगल है अल्फा सेकेंड एंगल जो आपके पास बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बीटा सो so, आपके पास जो डायरेक्शन को साइंस बन के आएंगी दैट इज इक्वल्स टू एल इक्वल टू कॉस अल्फा एम इक्वल टू कॉस बीटा एन एन इक्वल्स टू कॉस खामा ओके सो इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन अगर एल एम एन आपके पास डायरेक्शन को साइंस है देन क्या रूल लगेगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है अगला है डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पार्ट पॉइंट्स दिस एंड दिस तो भैया अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या होता है डायरेक्शन को साइंस का फॉर्मूला होता है अगर दो पॉइंट आपके पास सपोज ये दिया है पहला पॉइंट दिया है पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड दूसरा पॉइंट दिया है क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू तो इनकी जो डायरेक्शन को साइंस निकलेगी सबसे पहले आपको डायरेक्शन रिशियोज निकालना है तो ए बी सी ए इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन b इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एंड सी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन और ये ए बी सी आ चुका है ए अपॉन पी क्यू का डिस्टेंस मतलब पी क्यू ही अपने पास दिखा हुआ है तो ये आपके पास सिंपली फार्मूला बन जाएगा ए अपॉन अंडर उड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी जिसको आप बोल सकते हो सो यदि इसको ऐसा लिखा जा सकता है आप लिख लीजिए एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी क्या होते हैं डायरेक्शन रेसियज होते हैं ए इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बी इक्वल टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन सी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियज ऑफ अ लाइन आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन एग्जैक्टली सो क्या लिख सकते हो डायरेक्शन को रेशियोज जो होते हैं ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन तीनों प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन के इसको ज़्यादा खोलने पर आता है ए इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ आर एंड दिस विल गिव यू बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर एंड सी इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर ये मिला करता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट को साइंस ए बी सी आर द डायरेक्शन रिशिज ऑफ लाइन तो एल इक्वल टू इतना होता है एम इक्वल टू इतना होता है एन इक्वल टू इतना होता है याद रखेगा एल एम एन दोनों में प्लस माइनस जरूर आता है वो याद रखिएगा तो अभी हम फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कहीं पर आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो रोक करके बताइए नेक्स्ट 11.1.6 पॉइंट लाइन आर द लाइन्स इन स्पेस विच आर ना इधर पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऐसी लाइन्स जो कि ना पैरल हैं और ना इंटरसेक्टिंग है ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं स्क्यू लाइन स्क्यू लाइन का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर लाइंस कहलाती हैं स्क्यू लाइंस कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक लाइन आपकी स्क्रीन में ये है और दूसरी लाइन पीछे से आपकी स्क्रीन को फोड़ते हुए आ रही है तो ये जो लाइन है इसी एक प्लेन में नहीं बना सकते हैं ना तो ये पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है तो इनको हम क्या बोलते हैं स्क्यू लाइन एंगल बिटवीन स्क्यू लाइन इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन स्क्यू लाइन इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट प्रेफेबरली फ्रॉम द ओरिजिन पैरेलल टू द ईच स्क्यू लाइन ओके देखो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि एंगल बिटवीन इसक्यू लाइंस अब ये दो लाइन आपने इसक्यू है इसक्यू है तो कह रहा है इनके बीच का एंगल निकालने का मीनिंग क्या है एंगल बिटवीन इसक्यू लाइन इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट प्रेफेबरली थ्रू द ओरिजिन पैरल टू द ईच स्क्यू लाइन देखो अगर आपको इसके बीच का एंगल निकालना है तो आप इसके पैरल पैरल ड्रॉ करते 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 ऐसा ले आओ कि ये लाइन इसके ऊपर आ जाए तब जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हालांकि इस कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी तो मैंने डिस्कस कर दिया है इस क्यू लाइन के बीच का एंगल अपने पास कभी एग्जाम में नहीं आया गया है ओके चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बेहतर लगा है क्योंकि अभी हम बेसिक को लेके चल रहे हैं और हाई लेवल में जाएंगे तो थोड़ा सा आप दिक्कत महसूस करेंगे तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हल्के फुल्के तो आपको बड़ा कम्फर्टेबल लगेगा यस ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस लेस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इफ द डायरेक्शन रिसेज ऑफ द लाइन दिस एंड दिस देन डायरेक्शन को साइंस आर सो सिंपल फॉर्मूला है देखिए l इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन इक्वल टू डायरेक्शन रीसीव ए बी सी दिए हुए हैं ये आप इसको निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द डायरेक्शन को आपको डायरेक्शन को फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस दो पॉइंट से जाने वाली लाइंस के डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है तो पहले ए बी सी फिर इसमें डिस्टेंस का डिवाइड कर दीजिए तो प्लस माइनस में दो पेयर आपके पास आएंगे एक प्लस माइनस ओके माइनस थ्री और माइनस वन माइनस वन आप इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है एक बार लिख दिए वो भी चल जाएगा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ़ अ लाइन मेक्स थर्टी नाइनटी सिक्सटी देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है अल्फा बीटा कॉसबीटा गामा तो अल्फ़ा एल की जगह अल्फा एम की जगह बीटा एन की जगह गामा इस तरीके से ये भी हो गया देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस ये दिया है आपके पास में <coughs> आपके पास में दिया है इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज फोर देन फाइंड द रेशियो जेट कोऑर्डिनेट ओके तो कैसे करेंगे इसमें देखिए आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं दो पॉइंट आपको दिए गए हैं फर्स्ट पॉइंट इज क्यू एंड आर क्यू पॉइंट आपको दिया गया है टू कामा टू कॉमा वन एंड आर पॉइंट जो आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू फाइव कामा वन कॉमा माइनस टू और आपको क्या फाइंड करना है जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका ओके okay, किस ब्रेकिंग पॉइंट का यहाँ पे है कोई ब्रेक कर रहा है इफ़ एक्स ऑन उन्हें मान लो इस पॉइंट का नाम मान लो कुछ मान लो पी मान लो ओके इसका एक्स कोऑर्डिनेट फोर है और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है जेड कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो देखो यहाँ पर जो फोर जिस रेशियो में डिवाइड करेगा फो फोर का मैं रेशियो कितना मान लिया इन लोगों ने फोर का रेशियो मान लिया कि लैम्डा रेशियो वन तो लैम्डा रेशियो वन करके लैम्डा निकाल लिया एंड लैम्डा रेशियो वन मतलब कितना हो गया यहाँ पे टू रेशियो वन की रेशियो आ चुकी है ओके देन आफ्टर टू रेशो वन की रेशो आ जाने के बाद में जो चारू जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़ रिप्लाई जब आपको मैं बोलूँगा तब तो आप दीजिएगा तो टू रेशो वन यहाँ पे रेशो आ चुकी है और टू रेशो वन आने के बाद में आपको जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो लैमडा की वैल्यू रख दीजिए जेड के कोऑर्डिनेट्स में आपके पास में आंसर आ जाएगा सो सिंपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट फ्रॉम द प्लेन ओके देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए आपके पास पोजीशन वेक्टर इतनी दी गई है किसकी पॉइंट की और प्लेन ये दिया गया है ओके okay. तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओके नीचे कितना आता है मॉड <coughs> ऑफ जो आपको पॉइंट दिया गया था जो आपको पॉइंट दिया गया था उसको बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैक्टर ओके वैक्टर ए डॉट वैक्टर एन वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन ओके आर डॉट एन माइनस ये क्या होता है इसको बोलते हैं डी ओके माइनस डी ऊपर में ये रहता है और नीचे होता है अपॉन में मोड ऑफ यस तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है ओके okay, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और आपने इस पर किसी प्लेन में जिस प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी ओके तो इस पर यदि आपने परपेंडिकुलर गिराया है तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है दैट इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉडे ये नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं अदरवाइज इसको कार्टीशन में बदल के भी आप प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं चलिए इसको नोट करिए एक मिनट चाहिए मुझे मैं मिलता हूँ आपसे एक मिनट के बाद तो वंस अगेन बैक करते हैं कॉन्सेप्ट को आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है

<coughs> आपके पास में क्या है इफ़ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन को साइंस ऑफ द टू लाइन्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम सो सो सिंपल फार्मूला इसके बीच के एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू स्क्वायर अपॉन अंडरवुड ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर एंड बी वन स्क्वायर बी टू बी थ्री स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेश ऑफ अ लाइन दैट पासस थ्रू द गिवन पॉइंट विच पोजिशन वैक्टर इज वैक्टर ए एंड पैरल टू द गिवन वैक्टर बी इज इक्वल्स टू आर वैक्टर इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी तो यह सदस्य समीकरण का इक्वेशन है वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेडवन हैविंग द डायरेक्शन को साइंस सो इस फॉर्म वट इज दिस दिस इज फॉर्म तो एलिमेंट रख दीजिए और ए बी सी लाइन पासिसकेट इज इक्वल टू ए प्लस एस नेक्स्ट कार्टिशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एन एक्स टू वाई टू जेड टू वेरी सिंपल सभी को ये फॉर्मूला आता होगा नोट कर लीजिए नेक्स्ट इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर सॉरी आर इक्वल टू एवन प्लस लेमडा बी वन ए टू प्लस लेमडा बी टू दैन एंगल बिटवीन देम इक्वल टून का थ्रीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू का मॉड अपॉन मॉड बी वन मॉड बी टू ये एक्यूट एंगल यहाँ से आपको मिलेगा बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव होता है यहाँ पे अगर दो लाइनें आपके पास दी हुई हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस एम वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन एंड दूसरी लाइन ये दी गई है क्वेश्चन ऑफ द टू द क्यूट एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एलेवन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू अपॉन एलेवन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट पर पेंडिकुलर टू बोथ द लाइन ये विषय जो है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ए वन प्लस लेमडा बी वन ए टू प्लस लेमडा बी टू यस ये इंपॉर्टेंट है स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो ये जो फार्मूला आपके सामने दिया गया है ये स्क्यू लाइन के लिए है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो फार्मूला दिया है दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर एस्क्यू लाइन्स ओके सो व्हाट इज द फार्मूला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू सो दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू इसक्यू लाइन्स नॉट सो इज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस ओके सो यही फार्मूला जो है कार्टिशन फॉर्म में दिया गया है सो हाउ कैन यू गेट दिस आंसर एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाइव जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू अपॉान अंडर उड इसका डिटरमिनेंट नीचे वाले पार्ट का लीजिए बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर ए वन सी सी वन ए टू सी वन ए टू माइनस सी टू का स्क्वायर प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर सो ये कार्टेशियन फॉर्म में भी आपके पास आंसर आ जाएगा एन सी आर टी का फार्मूला सो सिंपल डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइन ए प्लस म्यू वैक्टर बी प्लस आर ए टू प्लसा वेक्टर बी तो इसमें याद रखिएगा देखिए ऊपर आपके पास क्या कर रहे थे बी वन क्रॉस बी टू कर रहे थे बट यहां पे आपके पास आ जाएगा वैक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन ओके वेक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है ये पहला लाइंस के लिए फॉर्मूला आपको लगा करता है नेक्स्ट प्लेन की इक्वेश्स की बात करते हैं द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट अ डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन वेयर एन कैप इज द यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू द प्लेन वैक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एल एम एन एज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये कार्टिशियन फॉर्म है नॉर्मल सिचुएशन का द इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन दिखाई दे रहा है आप पॉइंट फार्म ऑफ द प्लेन क्या द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वुस पॉइंट वैक्टर इज आपके पास जो पॉइंट वैक्टर दिए गए हैं उसके जिससे जा रहा है वह दिया गया है वैक्टर ए एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन वैक्टर एन सो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो ओके ये हुआ करता है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू ज़ीरो दूसरा इक्वेशन आपके पास दिया गया है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लेन का ओके okay, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ला सकते हैं अगर आप आर माइनस ए डॉट एन को सॉल्व कर देंगे तो ये आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा सो उसको उस तरफ ले जाएंगे ए डॉट एन को चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे वेक्टर आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू ज़ीरो तो यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ सो वेक्टर आर डॉट एन इक्वल्स टू वैक्टर ए डॉट एन और वैक्टर ए डॉट एन की वैल्यू का नाम डी दे दिया है सो so, प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है वेक्टर आर डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू डी ओके तो कहीं पर अगर आपको लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ प्लेन इक्वल्स टू वैक्टर नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन रेशियो ए बी सी एंड पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एक्स वन वाइव जेड वन तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन ए वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस सी इंटू जड़ माइनस जड़ वन इक्वल टू जीरो नोट कर लीजिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है प्लेन का वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन तो दो तरीके हैं कार्टीशन फॉर्म मेरी जाएंगे तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन थ्री माइनस जेड वन होल टोटल का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए थ्री नॉन कोलिनर पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्ले कंटेन थ्री नॉन कोलिनर आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस एक्व मतलब ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसी की वैक्टर फॉर्म दी गई है ओके नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन कोऑर्डिनेट्स कहां पर काट रहा है ए बी सी पर तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन नेक्स्ट इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर डॉट एन वन इक्वल टू डी आर डॉट एन टू इक्वल टू डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आपके पास कोई प्लेन ऐसे हैं जो दो वो इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं तो दोनों को पहले डी वन डी टू को लेफ्ट साइड में ले आओ एंड प्लस लेमडा करके सॉल्व कर लो मतलब इसके लिए मैं ये कहूँगा ये आप लिख सकते हो प्लेन वन प्लस लैमडा प्लेन टू इक्वल टू जीरो सो आर वन डॉट एन वन माइनस डी वन प्लस आर टू डॉट एन टू माइनस डी टू प्लस लेमडा uh, लगाने के बाद प्लस लेमडा एन टू आर डॉट एन टू माइनस डी टू इक्वल टू जीरो इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और नया है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करो स्टैंडर्ड uh, फॉर्म की सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स दिस एंड दिस इक्वल टू पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन इक्वल टू जीरो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट अगर दो लाइनें को प्लेनर हैं तो अगर दो को कोप्लेनर हैं ये सो so a2- टू माइनस ए वन क्रॉस बी डॉट बी वन क्रॉस बी टी इक्वल टू जीरो सो कंडीशन क्या बनेगी हमारी ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टी इक्वल टू जीरो सो कंडीशन बन जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस c1, टू माइनस c2 वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इक्वल टू जीरो ये लाइन वाला सेगमेंट यहाँ पे फिनिश होता है इन द वेक्टर फॉर्म थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन एन आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू सो देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वर्स एन वन डॉट एन टू का मॉड अपॉन एन वन एन टू द एक्यूट एंगल बिटवीन थीटा इज द लाइन दो लाइन अपने पास और प्लेन अपने पास दिया गया तो इसका एंगल साइन में आता है याद रखिएगा क्या बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन सो ये हुए फॉर्मूले इसके पूरे थ्री डी के अब आइए करते हैं थ्री डी के क्वेश्चन सारे के सारे हमने फॉर्मूले यहाँ पर दो हाफ में बता दिए थोड़ा कुछ पहले बताए थोड़ा कुछ अभी बताए अब करेंगे इसके क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन इज सिक्स नंबर इसके पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस आपके पास एक पॉइंट दिया गया एक लाइन दी गई तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लाइन पर एक कोई पॉइंट मान लेंगे एज्यूम लैमडा लेकर के आपने लाइन का पॉइंट मान लिया है नाउ <coughs> एक वेक्टर आप जनरेट करेंगे Uh, देखिए आपके पास में पॉइंट एनी पॉइंट लाइन क्यू दे दिया गया आपने अब आप में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एक वेक्टर बनाएंगे पी से लेके के Q तक का पी से लेके के क्यू तक का आप वेक्टर बनाएंगे तो इस पॉइंट के जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं इस ये पॉइंट जो आया है ये कितना आया आपके पास में देखिए थ्री लेमडा माइनस थ्री फाइव लेमडा प्लस फोर एंड सिक्स लेमडा माइनस एट और ये जो पॉइंट आपके पास है वो क्या है माइनस टू फोर एंड माइनस फाइव तो ये जो आपके पास में लाइन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी देखिए इसका है थ्री लेमडा माइनस थ्री तो थ्री लेमडा माइनस थ्री एंड माइनस ऑफ माइनस टू क्यों क्योंकि ये पॉइंट माइनस टू दिया है और ये पॉइंट हमको दिए हैं दिस दिस एंड दिस सो आई कैप ओके यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा ये माइनस का थ्री प्लस का टू मतलब थ्री लेमडा माइनस वन आई कैप तो ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा इसका वेक्टर जरूर ये लिखा हुआ है पी क्यू वैक्टर इक्वल टू तो थ्री लेमडा माइनस वन आई कैप प्लस फाइव लेमडा जे केप प्लस सिक्स लेमडा माइनस थ्री के कैप ये हमारे पास वेक्टर्स आ चुके हैं इसके भी डायरेक्शन रेसियोज आ चुके हैं और ये जो लाइन दी है दोनों डायरेक्शन रेसियोज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सो इफ दे आर परपेंडिकुलर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमंडा एंड लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फाइनली पी क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सो so, क्यू किस तरीके से फाइंड होगा क्योंकि लेमडा हमारे पास फाइंड हो चुका है तो हमारे पास पी क्यू भी फाइंड हो जाएगा lambda की वैल्यू पुट कर दीजिए तो PQ के टर्म्स में आ जाएगी वैल्यू अब इसके बाद क्या करना था हमको डिस्टेंस फाइंड करनी थी यस yes. तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी देखिए अब आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास अब क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं तो पी क्यू का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो डायरेक्टली आप इस तरीके से सो अंडर रूट ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरी तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू की लेंथ आ जाएगी दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कार्टिशन तरीके से भी इसको किया जा सकता है और ये तरीका भी सही है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स डेन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस 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 क्रॉसेज द प्लेन फ्रॉम दिस 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 देखो भाई सबसे पहले तो ये है तीन पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस दिस एंड दिस तीन पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो क्या रूल लगेगा वैक्टर आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल्स टू जीरो आपके पास इक्वेशन लग जाएगा ठीक है और इस इक्वेशन को लगाने के बाद में आपके पास इक्वेशन आ गया प्लेन का एंड देन इक्वेशन थ्रू दिस ये प्लेन का इक्वेशन आ चुका है अब इक, इसके बाद क्या कह रहा है कि प्लेन का इक्वेशन तो आ चुका है ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस क्रॉसेस अब क्रॉसिंग पॉइंट निकालना मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो ये हमारी लाइन हो गई इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को हम जा के प्लेन के कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे तो लेमडा आ जाएगा और लेमडा की वैल्यू वापस शिफ्ट करने के बाद ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा किस में लेमडा की वैल्यू शिफ्ट करोगे ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं हमारे पास तो लेमडा इक्वल टू कितना आ रहा है टू आ रहा है तो माइनस टू ये टू है तो माइनस टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू वन माइनस और माइनस टू एंड सेवन देन देन इसके बाद फाइंड द इक्वेशन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन फाइव माइनस टेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस देखो आपके पास एक लाइन दी गई है एक प्लेन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया तो पहले लाइन और प्लेन का आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो लैमडा ढूंढ करके आप पहले सबसे पहले क्या फाइंड करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ चुका है और अनदर पॉइंट आपको ये दिया हुआ है तो दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिए देन इसके बाद कह रहा है कि ए प्लेन मीट्स द कॉर्डिनेट ए बी सी सज देट देंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल अल्फा बीटा गामा तो ए बी सी पर मिलता है तो भाई सेंट्रॉयड <coughs> के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे ए बी ए बाई थ्री बी बाई थ्री सी बाई थ्री एंड ए बाई थ्री इज इक्वल टू अल्फा बी बाई थ्री इक्वल टू बीटा एंड सी बाई थ्री इक्वल टू गामा सो ए इक्वल टू थ्री अल्फा बी इक्वल्स टू थ्री बीटा एंड सी इक्वल्स टू थ्री गामा वैल्यू पुट करके आ जाएगा देन नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द अब ये दो क्वेश्चन है इसमें देखिए अब मेरे को यहाँ पे रुकने की जरूरत होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए नया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स वूज डायरेक्शन वूज डायरेक्शन को साइंस आर द गिवेन बाई द इक्वेशंस तो आपके पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको निकालना है कि इन लाइन्स के बीच का एंगल कितना है ठीक है ना तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा गुड क्वेश्चन क्योंकि ये आपके लिए नया है और ऐसे क्वेश्चन को मैं टेस्ट पेपर में जरूर रखता हूँ तो कैसे करेंगे देखिए आपके पास में ये इक्वेशन है एलिमेट अभी एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पर से चुन लीजिए सो टू एन यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आपके पास में है सिंपल वाला कोई इक्वेशन एलिमिनेटिंग एम फ्रॉम द गिवन टू इक्वेशंस तो इन इक्वेशंस में से एम को एलिमिनेट किया गया क्योंकि एम यहाँ पे आराम वाली चीज़ है तो एम को यहाँ से एलिमिनेट करके ये इक्वेशन आ गया है अब एकदम से यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है सो मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे इसको किया गया है <coughs> तो आइए हम आपके लिए m को एलिमिनेट करते हैं और हम भी टेस्ट करेंगे कि ये सही किया है कि नहीं किया है सो थ्री एल प्लस एम इक्वल टू फाइव एन है सो so, यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ थ्री एल प्लस फाइव एन ये आपके पास आ चुकी है m की वैल्यू ओके okay? और अब आपके पास ये वैल्यू जो सेकेंड इक्वेशन आप इसको पुट करिए तो सिक्स टाइम्स एन बाहर है यहाँ पे माइनस का माइनस कर दो ये और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है थ्री एल प्लस फाइव एन माइनस टू एन एल एंड फाइव हमारे पास m की वैल्यू पुट करनी है तो फाइव एल और m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सिक्स तो माइनस बाहर कर दिया मैंने अंदर मैं रखूँगा सिक्स एन वैल्यू रख रहा हूं मैं एम की वैल्यू ओके इंटू सिक्स एन और ब्रैकेट में कितना थ्री एल प्लस फाइव एन फाइव एल यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है एक मिनट देखिए कैसे करेंगे यहां पे यहां पे हमारे पास फाइव एल एम है ना सॉरी <coughs> <coughs> तो देखिए यहां पे फाइव हम एल को बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज हमें एम की वैल्यू पुट करनी है और माइनस तो आई चुका है प्लस की जगह फाइव एल एंड एम की वैल्यू फाइनली पुट कर दीजिए कितनी है थ्री एल प्लस फाइव एन ओके इक्वल टू जीरो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको इक्वेशंस मिलना शुरू हो जाएगा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस सिक्स थ्री जै एटीन माइनस एटीन एल एन सिक्स फाइव ज माइनस थर्टी एन स्क्वायर माइनस टू एन एल प्लस फिफ्टीन एल स्क्वायर एंड माइनस का फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन एल स्क्वायर आएगा माइनस है, है क्योंकि और और फिफ्टीन फिफ्टीन एल स्क्वायर के बाद फ़ाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव ओके okay, यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन आ चुकी है अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा हमारे पास माइनस फिफ्टीन एल स्क्वायर और थर्टी एन स्क्वायर हम माइनस कर देंगे ट्वेंटी फाइव एंड माइनस थर्टी ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी मीन्स कितना हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी फाइव एन स्क्वायर और क्या बच गया और क्या बच गया एल एन बच गया है और ये एन एन देखिए ये माइनस एटीन है और ये माइनस टू है सो कितना हो गया ये माइनस एटीन माइनस टू दैट इज इक्ल्स टू माइनस ट्वेंटी एल एन इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ पर अगर आप फाइव कॉमन ले लें क्या कॉमन ले लिया जाए देखिए यदि मैं यहाँ से फिफ्टीन कॉमन लेता हूँ तो यदि मैं फाइव कॉमन ले लूँ यहाँ से माइनस फाइव तो माइनस फाइव कॉमन लेने पर कितना बन जाएगा थ्री एल स्क्वायर माइनस एलेवन एन स्क्वायर एंड माइनस का फोर एल एन प्लस फोर एल एन ये भी माइनस माइनस कॉमन लिया ना तो फोर एल एन इक्वल टू ज़ीरो बट ये इक्वेशन मेरे पास नहीं बन रही है इसका मतलब डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं पर गलती करी है तो हमको किसको एलिमिनेट करना था एम को एलिमिनेट करना था मिस मिस्टेक यहाँ पे हुई है हमारे पास में ओके okay, तो इम्पॉर्टेंट क्या है चलिए अब आ, क्योंकि मिस्टेक ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको फॉरवर्ड यहीं से करूँगा इसको अभी हम इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए ओके okay. चलिए तो देखिए इसके कंसेप्ट जाते हैं हम लोग तो करना क्या है हमें फाइनली यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं एक इक्वेशन थ्री एल प्लस एम प्लस फाइव एन इक्वल टू जीरो एन सिक्स एव एन माइनस टू एल एल प्लस फाइव एल एम इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एम की वैल्यू उठा करके एम को एलिमिनेट कर दिया गया है और हमारे पास दो कंडीशन बन चुकी है एक n इक्वल टू माइनस एल एंड l इक्वल टू माइनस टू एन तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन चुकी हैं दो कंडीशन बन चुकी है तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है l इक्वल टू माइनस एन तो l इक्वल टू माइनस एन और दूसरी बनी है <coughs> m इक्वल टू माइनस टू एन देखिए नहीं एल इक्वल टू माइनस टू एन तो दोनों केसेस को हम सॉल्व करेंगे पहला केस ये है कि जब आपके पास l इक्वल टू माइनस एन है तो m इक्वल टू माइनस टू एन आएगा एल इक्वल टू माइनस एन है तो m इक्वल टू माइनस टू एन आएगा कैसे आएगा देखिए कैसे आता है l की वैल्यू आपको दी गई है n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है माइनस एन और आपने ये जो वैल्यू निकाली थी किस इक्वेशन से निकाली थी इस वाले इक्वेशन से निकाली थी ठीक है ना इस वाले इक्वेशन से आपने ये वैल्यू निकाली थी ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ ही करता है टाइम लगेगा इसमें तो इस इक्वेशन से आपने ये वैल्यू निकाली है एन इक्वल टू माइनस एल अब इस इक्वेशन को उठा करके आप जो है एन की वैल्यू जो आई है ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास में एक रिलेशन आ जाएगा एम के लिए आइए हम पुट करते हैं देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास कितना है थ्री एल प्लस एम प्लस फाइव एन इक्वल टू जीरो थ्री एल प्लस एम प्लस फाइव एन इक्वल टू ज़ीरो और आपके पास एल की वैल्यू कितनी आई है माइनस एन तो आप यहाँ पे रख सकते हैं थ्री इन टू एल की वैल्यू माइनस एन प्लस एम प्लस फाइव एन इक्वल टू कितना जीरो सो थ्री इंटू माइनस एन प्लस फाइव एन कितना हो गया टू एन प्लस एम इक्वल टू जीरो सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आगे देखिए m की वैल्यू है माइनस टू एन ठीक है <coughs> m की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस टू एन इसी तरीके से जब आप l इक्वल टू माइनस टू एन पुट करते हैं तो m इक्वल टू कितनाएगा एन आएगा अब डायरेक्शन रेसियोज यहाँ से मिल जाएंगे क्यों मिल जाएंगे देखिए किस तरीके से आपको डायरेक्शन रेसियोज मिल जाएंगे वो देख लीजिए एल इक्वल टू आपके पास है माइनस एन तो एल के नीचे अगर आप माइनस वन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा एन मिलेगा और m इक्वल टू कितना है आपके पास में माइनस टू एन तो m के नीचे अगर आप में माइनस टू बनाएंगे तो आपको क्या बनेगा n बनेगा तो एक कॉमन कंडीशन बन गई l अपॉन माइनस वन इक्वल टू एन अपॉन वन इक्वल टू एम अपॉन माइनस टू जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं एल अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू एम अपॉन माइनस टू इक्वल टू एन अपॉन वन तो डायरेक्शन रेसिव आपको क्या मिल रहे हैं वन कुछ गलती हुई है यहाँ पर क्या मेरे से वन माइनस टू एंड वन सॉरी माइनस वन माइनस टू एंड वन हाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई है माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप में तो ये बन जाएगा एल अपॉन वन इक्वल टू एम अपॉन टू इक्वल टू एन अपॉन माइनस वन एक्जैक्टली तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेसियोज आपके पास कितने आ चुके हैं वन टू माइनस वन और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने पर आपके पास दूसरा वाला पेयर आ जाएगा टू माइनस टू वन एंड वन और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन अप ए डॉट बी अपऑन मॉड ए मॉड बी इस तरीके से एंगल कितना आ गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई सिक्स तो इसको टाइम लगेगा आप आराम से टाइम दीजिए इसमें करना क्या है सबसे पहले इससे m को एलिमिनेट करिए m को एलिमिनेट करने पर आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी दो इक्वेशंस को फर्स्ट में डाल करके दो नए इक्वेशंस बनाइए और दो नए इक्वेशंस से आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेसी उस पता चल जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन है फाइन द कॉर्डिनेट ऑफ द फोट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस भाई आपके पास दो लाइन ज्वाइन हो रही हैं उन ज्वाइन करने वाले का इक्वेशन बनाइए लेमडा के टर्म्स में बताइए ऊपर से परपेंडिकुलर डालिए ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो लेमडा के टर्म्स में क्या आएंगे डायरेक्शन रेस्यूज़ आ जाएंगे और दोनों डायरेक्शन रेशूज का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो कर दीजिए लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेमडा की वैल्यू एल के कोऑर्डिनेट में आप डाल दीजिए और एल के कोऑर्डिनेट में डालते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा ओके सो लेमडा की वैल्यू जैसे ही हम डालेंगे इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर टू बी सी लेमडा की वैल्यू आ गई और लेमडा की वैल्यू से हमको ऑप्टेन हो जाएंगे जो कि हमको फाइंड करने थे तो इस तरीके से हमारे पास फोटो परपेंडिकुलर भी आ चुका है डन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट वन सिक्स थ्री टू द लाइन ये है तो भाई साहब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करनी है इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको इस लाइन पर एक रैंडम पॉइंट निकालना पड़ेगा ये आ चुका है और पॉइंट निकालने के बाद हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से लैमडा की वैल्यू निकाल लेंगे ओके okay? लैमडा की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है और मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमारे पास इमेज आ जाएगी फाइनली सो so, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके बेसिक मैंने अपने बेसिक क्लासेस में दिए हैं अभी हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्वेश्चन को केवल रिव्यू करना है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग द बेक्टर दिस विद अ प्लेन दिस तो देखिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या दिया वन थ्री फोर ओके और आपके पास इक्वेशन ये दी गई है तो सबसे पहले प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है <coughs> प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है इक्वेशन इमेज निकालनी है ठीक है ना तो ये कुछ ऐसा सीन दिया गया अपने पास में ये अपने पास ये प्लेन है और ये पॉइंट दिया गया है दिस पॉइंट इज़ वन थ्री फोर और आपको इसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है तो देखिए हम क्या लेते हैं हम ये इससे इस, इस पॉइंट से जाने वाली और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज़ नॉर्मल के दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं 2i आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को लेकर के हम पॉइंट लेते हैं पॉइंट हमारे पास कितना आ गया वन प्लस टू लेमडा हमारे पास आ गया है यस <coughs> yes. तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो पी क्यू की हमारे पास लाइन आ चुकी है ये अब ये जो लाइन है पी क्यू जिसको हम नॉर्मल मान रहे हैं एक तरीके से ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से ये लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ओके लेमडा की वैल्यू आ गई और लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास पॉइंट क्यू के वैक्टर्स पोजिशन हमारे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके ओके okay, तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे पास आ जाएंगे इन लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई है मगर ऐसे लगाई कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी बट प्रॉपर्टी यहाँ पे मिड पॉइंट की ही लगी हुई है तो ये बेहतर क्वेश्चन है इसको टाइम देकर के करिए ये भी बन जाएगा आप लोगों से अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है देखिए क्या था द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस भाई साहब आप एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा जेड जीरो जाएगा ये केवल पॉइंट क्या बनेगा टू कोमा जीरो कॉमा जीरो करेक्ट आंसर इज ए सो सिंपल पॉइंट पी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट दिस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इतना है पीस फाइव एंड वाई कोऑर्डिनेट चलो फिर से वही है रेशियो वाला रूल लगाना लैम्डा रेशियो वन लगा करके एक्स की वैल्यू दी गई तो लैम्डा आ जाएगा ओके और आपका वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे सो सिंपल देन देखिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल लाइन्स पॉजिटिव देन डायरेक्शन को साइंस भाई हर कोई जानता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होती है इसमें कुछ है ही नहीं करने जैसा डन देन इसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस रटने वाला क्वेश्चन बच्चों वाला अंडरवुड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई भी जीरो होगा जड भी जीरो होगा करेक्ट ऑप्शन डी है एक लाइन मेक्स इक्वल एंगल भाई प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री वन बाई रूट थ्री बच्चों वाला क्वेश्चन ठीक है ना देन इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लो ब्लैंक्स फिल करना है डायरेक्शन को साइंस निकालना है अपने पास में तो एक पाई बाय टू बना रहे एक थ्री पाई बाई फोर देन डायरेक्शन को साइंस सर कॉस थीटा में होती है तो कॉस की वैल्यू निकाल के प्लस माइनस बाहर जरूर लगाना ये बच्चे भूल जाते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अल्फा बीटा गामा तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा शायद माइनस टू आता है टू आता है यस तो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस कॉस 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 की प्रॉपर्टी लगा दो तो थ्री माइनस वन इक्वल टू टू आ जाएगा डन देन इसके बाद एक लाइन जो है एक्स एक्सेस के साथ वन बाई फोर वाई के साथ ईच तीनों के साथ बना रही है तो आपको फाइंड करना है कि एक्स एक्सेस के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर गामा तो ये वन बाई रूट टू कॉस स्क्वायर अल्फा तो ये वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू, टू कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमारे पास सिंगल वन बाई टू अब इसके बाद आ गए हैं ट्रू फॉल्स कह रहा कि क्या कोलिनियर है कि नहीं है तो क्या करेंगे इसमें डायरेक्शन रेशूज निकालिए और दोनों प्रोपोर्शनल आ रहे हैं इसका मतलब कोलिनियर है तो प्रपोशनल एल की प्रॉपर्टी से कर लीजिए इसको द वैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 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 वैक्टर इक्वेशन दो पॉइंट से जाने वाला है कुछ भी नहीं है दो पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए <laughs> आर वैक्टर आर एक वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी माइनस ए फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट स्पेस दैट ओ इज इंक्लाइन सिक्सटी डिग्री टू ओ एक्स एंड फोर्टी फाइव डिग्री टू ओ वाई एंड ओ इक्वल टू देखो भाई फाइंड द पोजीशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट ए और ओई की जो मैग्नेट्यूड वो कितनी दी गई है दस ठीक है तो देखिए कॉस स्क्वास्कर टू कितना वन होता तो यहां से आपके पास कॉस्कर गा आ गया पहली चीज वन माइनस वन बाई फोर इक्वल टू सिक्स डिग्री वेरी नाइस अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो हुआ करता है कॉस अल्फा कॉस कॉस गामा क्या होता है डायरेक्शन को साइंस एंड हम जानते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड आर टाइम्स ऑफ आर कैप ओके वेक्टर ए इक्वल टू होता मॉड ऑफ टाइम्स मॉड आर टाइम्स ऑफ आर कैप तो आर कैप हमारे पास जो पोजिशन वैक्टर आई है वो ये है और मॉड आर कितना आया जो कंप्लीट वैक्टर की लेंथ है टेन तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन है ये एक बार फिर से देख लीजिए ओ ए दिया था ओ के साथ 60 डिग्री है 45 डिग्री है अब डायरेक्शन को साइंस के लिए रूल लगा दीजिए तो कॉस अल्फ़ा अपने पास आ गया है है ना इसको गामा लेना चाहिए एक्चुअली तो कॉसिस पर गामा लेना चाहिए इसको क्योंकि ये जेड एक्सेस के साथ का एंगल है खैर उसने अल्फा ले लिया तो कोई बात नहीं ऐसी कोई सिंबल तो कुछ भी हो सकता है तो ये अपने पास में कॉस्क्वा अल्फा हर जगह अल्फा ही कर दो भाई नहीं तो मुझे गामा करना पड़ेगा बार बार पकड़ पकड़ कर चलो तो ये अपने पास आ गया कॉस स्क्वा अल्फा इक्वल टू वन बाई फोर यानी कि सिक्सटी डिग्री अब इसके बाद जो ओ ए का कंप्लीट वैक्टर होता है वो यूनिट वक्टर का कितना होता है कंप्लीट मैग्नीट्यूड टाइम्स तो मैग्नीट्यूड टाइम्स कर दिया तो आपके पास में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दिस इज डन अच्छा गुड क्वेश्चन है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आई विल गिव दिस गुड

तो दोनों की इससे एक्स की वैल्यू लेमडा और इससे ये एक्स आ गया है और ये एक्स की वैल्यू लेमडा दूसरे में सेटिस्फाई करा दो तो दूसरे में सेटिस्फाई कराने पर भी क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यहां से टू लेमडा प्लस वन इक्वल टू थ्री लेमडा प्लस टू इतना 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 करके दो कंडीशन से लेकर के देखो करा क्या है मैं आपको एक बात बता दू ये पहली लाइन है पहली लाइन से इसने एक्स की वैल्यू टू लेमडा प्लस वन निकाली है और जो दूसरी लाइन आपके पास में है कहाँ है दूसरी लाइन ये है एक्स माइनस फोर अपॉइन फाइव लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है क्योंकि जो आपके पास एक्स का वैल्यू है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को लेमडा के टर्म्स में पुट कर दिए तो टू लेमडा प्लस वन माइनस फोर अपॉइन फाइव इस तरीके से पुट कर दी इससे सॉल्व करने पर लेमडा की वैल्यू आ गई और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो कट पॉइंट आ जाएंगे ये बहुत बढ़िया मेथड लगा मुझे तो दिस इज गुड क्वेश्चन ओके और इसको जरूर आप करिए इस क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं और आप उसको आंसर लगा प्रूफ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ दैट दिस लाइन दिस लाइन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू दिस एंड दिस प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू मतलब दो इक्वेशन बनाओ और दो ही लाइन्स को इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है तो आप इंटरसेक्टिंग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो पहले दो इक्वेशन बना लीजिए उसके बाद इंटरसेक्टिंग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो जीरो आ जाएगा देखो भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया इतना टफ क्वेश्चन दिया है और है एकदम सिंपल सा दिखने में केवल है कुछ नहीं है कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपन को पकड़ने यहाँ पे जो थोड़ा सा टेक्निकल हो क्वेश्चन जिसमें ट्रिक लगनी हो ऑर्डिनरी क्वेश्चन तो आज के टाइम में हर बच्चा कर लेता है दसवीं क्लास का बच्चा कर लेता है अपने पास अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस लाइन अपने पास ये लाइन दी गई है एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू जेड इक्वल टू आर वाई प्लस एस और दूसरी लाइन कह रहा परपेंडिकुलर तो भाई केवल लाइन को नचाना है देखो आ, वाई इक्वल टू एक्स माइनस क्यू अपॉन पी और जेड इक्वल टू इन दोनों से एक कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई और जेड का दूसरी जो लाइन दी गई है एक्स माइनस पीडेस अपॉन क्यूडैस पी क्यू डेस अपॉन पीडेस इक्वल टू वाई दूसरी लाइन ये बन जाएगी परपेंडिकुलर होगी तो ये कंडीशन बन जाएगी वेरी नाइस क्वेश्चन सो सिंपल डन चलो 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 हम्म फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाई सेक्ट पर लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस लो भाई राइट right एंगल कह रहा है कि फाइंड प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो जो कि क्या करता है बाइसेक करता है और वो भी राइट right एंगल के पे वाह भाई साहब बाइसेक करेगा मतलब पॉइंट तो मिल गया है अब यदि राइट right एंगल पे बाई करना है तो इसका फंडा क्या है <coughs> देखो ये अपने पास लाइन जा रही है और ये प्लेन आकर के राइट एंगल पे बाइसेक कर गया इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे है ना जी तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो फोर माइनस टू बिल्कुल सही बात है और फाइव माइनस थ्री एंड एट माइनस फोर तो ये बन गया लाइन के डायरेक्शन रेशियो ना इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन है ईजी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा फाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इट इज डिस्टेंस थ्री रूट थ्री फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मली विच इज इक्वली इंक्लाइंड तो भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ पे इक्वल होगा ये तो हमको पता ही है और डिस्टेंस भी आपको कितनी दिखेगी थ्री रूट थ्री सो सो सिंपल आर डॉट एन कैप इक्वल टू थ्री रूट थ्री हो जाएगा तो एन कैप आपको पता ही है आर डॉट एन कैप इक्वल टू थ्री रूट थ्री सो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है चलिए नेक्स्ट देखते हैं <coughs> इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट मीटर ए प्लेन राइट एंगल दिस अगर इससे ड्रॉ की गई लाइन किसी पॉइंट को ओके बैक टू द टॉपिक लिखिए यह एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया था सो सिंपल थ्री रूट थ्री इधर चला जाएगा नाइन हो जाएगा ओके सो डन अगला द इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट मीटर ए प्लेन एट राइट एंगल अगर लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट मीटर ए प्लेन एट ए राइट एंगल इक्वेशन ऑफ द प्लेन अपॉन फाइंड करना देखो लाइन right तो तो हमारे पास जो है लाइन का दिया गया है। और जिस पर वो को मिल रही है वो हमको दिया गया है तो देखो भाई कुल मिला के एक आपके पास एक पॉइंट हो गया जिससे कि प्लेन जिससे जा रहा है और दूसरा जो है इससे आप इसके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि निकाल सकते हो ये वाला वेक्टर ओके okay? क्योंकि जो प्लेन का नॉर्मल ही कहलाएगा ये वाला वेक्टर, तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप ये बना हुआ है सो so, अब इसके बाद क्या होता है एक पॉइंट से जाने वाला वेक्टर, ये क्वेश्चन लगा दीजिए तो सो सिंपल आ जाएगा आंसर देन नेक्स्ट थैंक यू सर बताने के लिए नेक्स्ट देखिए ओके okay, अभी इको आ रहा था तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ ये जो मैंने दोबारा बता देता हूँ कुछ मिस हो गया जो <coughs> यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो था यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था आरटो टेन इक्वल टू थ्री रूट थ्री और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कैप की जो वैल्यू निकाली हुई है पुट कर दिया तो आंसर आ गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द मीट्स द प्लेन राइट एंगल तो भाई आपके पास एक पॉइंट दिया गया है और राइट एंगल पे एक प्लेन दिया हुआ है तो प्लेन की इक्वेशन खुद इस पॉइंट से जा रही है सो पॉइंट हमारे पास ये दिया गया है ये नॉर्मल बन जाएगा और आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो का इक्वेशन लगा देंगे तो प्लेन का इक्वेशन आ गया देन नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस तीन पॉइंट है तो एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास जो होता है प्लेन का वो हम लगा देंगे सो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला एंड वी विल हैव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यस दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्टेड दिस एट पाई बाई थ्री इच ओके ये देखो नया क्वेश्चन आएंगे फाइन द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्टेड लाइन दिस एट एंगल पाई बाई थ्री इच तो क्या कह रहा है कि आपके पास में ओरिजिन से जाने वाली दो लाइन्स हैं ये मान लो ओरिजिन से जाने वाली दो लाइन्स है विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एक कोई लाइन जा रही है ठीक ना और इसको ये जो दोनों लाइनें हैं रही, है, रही है तो आपको बताना है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स माइनस थ्री अपॉइन टू इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉइन वन इक्वल टू जेड अपॉइन वन सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन आप है? okay, देखते हैं सो so डेफिनेटली इसको टेस्ट पेपर में मैं पूछूंगा आइए सो so, अपने पास में यहां पर जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस कितनी हो जाएंगी टू अपॉन रूट सिक्स जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ही हो जाएंगी अब ये जो पहली लाइन है फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन कितना एंगल फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास देखिए सो गिवन इक्वेशन अब जो हमें लाइन दी गई है वो हमें ये वाला पार्ट दिया गया है इस लाइन का हेलो लाइन का हमें ये वाला पार्ट दिया गया है अब हम क्या करते हैं हेलो साउंड कुछ कम हो गया क्या हेलो साउंड प्रॉपर है सर ओके okay. तो अब करना क्या है हमें कि यहाँ पे जो लाइन हमारे पास है x माइनस थ्री अपॉइन टू इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉइन वन इक्वल टू जेड अपॉन वन इक्वल टू लैमडा हमने इस लाइन में कोई पॉइंट ले लिया तो सपोज वो जो पॉइंट होगा अगर वो कट कर रहा है तो इस पॉइंट अपनी लाइन से भी जाएगा इस लाइन से भी जाएगा मतलब ये आ, हमारे लाइन पे भी बैठा होगा तो हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा अपनी लाइन पे भी जो बैठा होगा दैट इज इक्वल टू टू लैमडा प्लस थ्री एंड वाई इज इक्वल टू लेमडा प्लस थ्री एंड जेड इक्वल्स टू लेमडा ये ये जो पॉइंट होगा हमारी लाइन नंबर वन पे भी होगा लैम नंबर टू पे भी होगा क्यों क्योंकि जनरल पॉइंट है अब देखिए इस लाइन की डायरेक्शन रेसोज निकाल लेते हैं तो इस लाइन का डायरेक्शन रीशो दिस हो जाएगा ओके okay. अब ये लाइन क्या बना रही है ये लाइन एंगल बना रही है पाई बाई थ्री किसके साथ में गिवन लाइन के साथ में सो so, एक्स तो ये तो आ चुका है और तो गिवन लाइन के साथ में ये लाइन कितना एंगल बना रही है पाई बाई थ्री तो अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू तो ये हमारे पास जो पॉइंट निकले हैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट सो डायरेक्शन रेशियोज कितने निकल जाएंगे इस वाली लाइन के जो हमारे पास जो लाइन जा रही है ओरिजिन से उसके डायरेक्शन रेशियो जीरो जीरो से माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टू लेमडा प्लस थ्री लेमडा प्लस थ्री एंड लेम्डा ही निकलेंगे इसके डायरेक्शन रेसियोज़ और ये जो ऊपर से लाइन आ रही इसके इसके उसके है इसके डायरेक्शन कितने हैं टू वन वन तो फार्मूला लगा देंगे कॉस्ट थीटा इक्वल टू एवन ए टू वी वन वी टू सीवन सी टू और कॉस्ट फाइव बाई थ्री की वैल्यू हो गई भाई वन बाई टू और इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने तो लेम्डा के टर्म्स में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई भाई साहब और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस वन एंड माइनस टू अब सवाल ये है कि हमको लेमडा की वैल्यू पुट कहाँ करना है यदि हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ओके तो कोऑर्डिनेट ही निकाले गए हैं क्या तो लेमडा की वैल्यू वन माइनस वन एंड लेमडा की वैल्यू टू सो द डायरेक्शन को साइंस आर वन टू एंड माइनस वन एंड माइनस वन वन एंड टू हाँ बिकॉज देखिए इनको डायरेक्शन कोसियंस कोसाइंस ना कहिए आप इनको आप डायरेक्शन रेशियोस कहिए यहाँ पर मैं डायरेक्शन कोसाइंस लिखा है बट इस बात को मैं गलत करूँगा क्योंकि आपके पास जो पॉइंट्स हैं ना आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं आपके पास में ये कोऑर्डिनेट ही आपके डायरेक्शन रेसी है कौन कौन टू लेमडा प्लस थ्री वाई प्लस थ्री एंड लेमडा टू लेमडा प्लस थ्री वाई प्लस थ्री एंड लेमडा लिख देता हूँ मैं एक्स इक्वल टू टू लेमडा प्लस थ्री वाई इक्वल टू लेमडा प्लस थ्री एंड जेड इक्वल टू लेमडा ओके तो की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं कितनी माइनस वन तो टू इंटू माइनस वन प्लस प्लस ऑफ वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन बिल्कुल सही तो डायरेक्शन रेशियोज जो आ रहे हैं पहली लाइन के कितने आ रहे हैं वन टू माइनस वन इसी तरीके से माइनस टू पुट करोगे तो वन माइनस वन वन माइनस वन वन टू आएगा तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे पास लाइन के बन जाएंगे एक्स लाइन थी, थी तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी सो वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज गाइज बड़ा ही नया टाइप का क्वेश्चन मिला है ओके okay? और इसको कम से कम आपको एक बार तो करना पड़ेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर्म द फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन भाई देखो ऐसा क्वेश्चन तो अपन जानते हैं एल को एलिमिनेट करके दो इक्वेशंस बनती हैं और एल को एलिमिनेट करके बाद दो इक्वेशंस के बाद दोनों को सॉल्व करते हैं तो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू आता है और इसका तो मुझे आंसर भी याद हो चुका है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो जहां पे दिख जाता है तो वहां पर आंसर फाइव बाई थ्री हुआ करता है बट आप करिएगा ये नहीं कि आंसर रटना आपको इसको पूरा सॉल्व करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अफ अ वेरिएबल ऑफ टू अडजस्टेंट पोजिशन हैज़ अ डायरेक्शन को साइंस इफ़ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजस्टेंट पोजिशन हैज अ डायरेक्शन कोसाइंस एलेम एन एंड एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन ये क्या बात हुई भाई इफ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजस्टेंट ओ भाई साहब मतलब लाइन घूम रही है ठीक है लाइन जो है घूम रही है कह रहा कि इनके बीच में एंगल जो है पहली क्वसाइंस होती हैं एलेम एन और दूसरी कोशाइंस हो जाती हैं भैया इतनी 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 तो क्या प्रूफ करना है गिवन बाई तो कहना है कि इनके बीच का एंगल थीटा फाइंड करो जबकि ये रिलेशनशिप दी गई है ओके तो चलिए भाई कंडीशन क्या लगती है कंडीशन ये लगती है कि एल स्क्वायर प्लस एम एस्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन तो पहली पोजीशन में तो जिंदाबाद दूसरी पोजीशन में भी एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर एम प्लस डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर एन प्लस डेल्टा स्क्वायर ओके क्वेश्चन एकदम नया है भाई साहब पहली बार पहली बार टकरा रहा है क्वेश्चन न्यू दे दूंगा कैटेगरी को टेस्ट पेपर में रखने लायक क्वेश्चन है देन इसका स्क्वायर कर दो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर डेल्टा ये ये ये, ये, ये इक्वल टू ठीक है इधर पे कितना हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन हो गया तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा सो एल डेल्टा एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम इतन टू जीरो ठीक है बिल्कुल सही है एल डेल्टा एल इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू डेल्टा एल स्क्वायर इतना 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 ठीक है ओके okay. अब ये रिलेशन नंबर थ्री बन चुका है ठीक है ना अब एक चीज देखो आप

ए एंड बी आर द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द लाइन डायरेक्शन को साइंस दिस अच्छा बोला है क्या यूनिट वैक्टर है hmm, बोला तो नहीं है इफ़ वेरिएबल लाइन इन टू एडज डायरेक्शन को साइंस एलेमन वेरिएबल लाइन इन टू एडज तो भाई दो वैक्टर की बात कर दी है यहाँ पर और सीधे सीधे यूनिट वैक्टर बोल दिया गया है इफ ए वेरिएबल लाइन इन टू एडजस्टेंट पोजिशन है एंड दिस 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 ये बात तो तय है कि पहली वाली लाइन यूनिट वैक्टर होगी क्योंकि नहीं नहीं यूनिट वैक्टर होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि डायरेक्शन को साइंस तो किसी भी वैक्टर के लिए वन सम देती है तो ऐसा यहाँ पे क्यों ले लिया यूनिट वेक्टर नाउ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर विद डायरेक्शन को साइंस एलेमेंट मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा टू वेक्टर्स यूनिट वेक्टर की बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी क्योंकि यूनिट वेक्टर जैसा सेगमेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है ओके okay? तो ये लाइन तो भाई नई इंट्रोड्यूस कर दी इन लोगों ने ओके <coughs> क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि भाई कोई भी लाइन होगी उसका वेक्टर कितना भी होगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका लेंथ तो वन होगा बट ये नहीं कहा गया है कि ये लाइन से यूनिट वेक्टर बना रही है ऐसा कुछ नहीं कहा गया है चलो देखते हैं लेट नाउ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन विद डायरेक्शन को साइंस एम एन ओके ये कह रहा है यूनिट वेक्टर यदि है तो अच्छा यहां पे यूनिट वेक्टर सपोज कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर लंबा हो या छोटा हो उससे उसका एंगल नहीं बदलता है इसलिए यहां पर सपोज किया गया है ओके okay, बहुत तगड़ा कंसेप्ट छिपा है सो so, ए एक डायरेक्शन को साइंस बन गई कैप ओके एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एल आई कैप बिल्कुल लिख सकता हूँ दो वेक्टर को दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी तो कॉस डेल्टा थीटा देखिए दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू एल इंटू एल प्लस डेल्टा एल एम इंटू डेल्टा एल एन प्लस दिस 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 नौ यदि इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये खुल गया और जो हमारे पास में ये वैल्यू मिल रही है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस इसको देखिए एल डेल्टा एल एम डेल्टा एल एम डेल्टा एन की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर सो 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 यहाँ पे क्या कॉस्ट जो डेल्टा थीटा को अपन ने लिख दिया है यहाँ पे कॉस्ट डेल्टा थीटा है ना तो कॉस्ट डेल्टा थीटा को हमने के, एल सी एम ले करके डेल्टा एल स्क्वायर टू वन माइनस मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या जल्दबाजी करी है इसने मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे हो गया कॉस्ट डेल्टा थीटा यहाँ पे कॉस्ट डेल्टा थीटा है ओके तो क्या करोगे आप पहले इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो वन अपॉइन्ट टू ओके वन अपॉइन्ट टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर बहुत बढ़िया उस तरफ आ गया तो ये वन माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा ठीक है और ये वन अपॉइन्ट टू ऊपर चला जाएगा तो टू इधर से हटा करके टू का इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये टूट में किस में जाएगा ये टूट जाएगा टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू इसमें टूट गया है ना और टू एक बाहर से ही बैठा हुआ है तो टू टू जा कितना हो गया तो यहाँ से टू इन टू टू कितना हो गया फोर यहां भी हो रहा था और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जो होती है अगर छोटा एंगल होता है तो साइन डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल टू डेल्टा बाई टू में बन जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्या बात है भाई बिल्कुल एकदम मतलब थ्री ने तो मचा दिया यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अल्ट्रा न्यू वाला क्वेश्चन है ओके रीड बिफोर एग्जाम इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा घर से एक बार करके जाना चाहिए तभी आपको बनेगा नहीं तो घूम जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ़ ओ इज द ओरिजिन ए बी सी फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन ओ एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ओ ए राइट एंगल टू ओ ए चलो तो डायरेक्शन को साइंस निकाल ली ओके और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा भाई क्योंकि अपने पास में डिस्टेंस जो होगी तो ओरिजिन से लेके एबीसी की डिस्टेंस कितनी होती है ओरिजिन से लेकर के ए बी सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी अंडरवुड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी करके आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी करके ये आंसर आ जाएगा इसको कर लीजिए आर डॉट एन कैप क्या लगा दीजिए वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम्म दूसरा आर माइनस ए डॉट एन कैप n कि मतलब इसके परपेंडिकुलर तो आर माइनस n डॉट इज इक्वल टू ए डॉट एन ए मतलब जिससे जा रहा है और n कैप मतलब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो वो भी वही है जिससे जा रहा है वही परपेंडिकुलर है तो भी इससे आ जाएगा बढ़िया कंसेप्ट है गुड कंसेप्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में टू सिस्टम रेक्टेंगुलर एक्सेस हैविंग सेम से ओरिजिन ए प्लेन कट्स देम डिस्टेंस ए बी सी ए बी डेड और प्रूव दैट लो भाई तो क्या कह रहा है टू सिस्टम रेक्टेंगुलर एक्सेस तीन एक्स मतलब की सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर सेम ओरिजिन ठीक है दो सिस्टम है दोनों का ओरिजिन सेम है और एक प्लेन जो है वो कट कर रहा है डिस्टेंस ए बी सी पे दोनों सिस्टम को ओके okay, एक भी प्लेन है दोनों सिस्टम को कट कर रहा है किसको कट कर रहा है किसको कट कर रहा है, कर रहा है आपको बताना है ये इक्वल टू ये बहुत बढ़िया भाई साहब मतलब क्या कर रहा है कि एक प्लेन मान लिया ओ एक्स ओवाई जेड पर कट कर रहा है और एक स्मॉल तो पहला प्लेन का इक्वेशन बनेगा ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन बनेगा ये हम्म अब ऑल्सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मस्ट बी सेम देखिए दस देखो क्या हुआ करता है कि जब आप एक रेक्टेंगुलर सिस्टम को दूसरे रेक्टेंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो कभी जो डिस्टेंस होती है वो बदलती नहीं है टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस मतलब सिस्टम शिफ्ट हो गया है कहीं ना कहीं पे मगर ओरिजिन भी सेम है और जो ज्योमेट्री बन रही वो सेम है तो बहुत ही अल्ट्रा क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने अपने इक्वेशन को ट्रांसलेट कर दिया है तो डिस्टेंस सेम बनी रहेगी किससे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों प्लेन पे सेम बनी रहेगी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों की सेम कर दीजिए तो माइनस वन इसमें आएगा माइनस वन अपन अंडर उड़े वन अपन ए स्क्वायर वन अपन बी स्क्वायर और इसमें भी कुछ इस तरीके का हो जाएगा और दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ये तरीके से आ जाएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई ओके दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपके पास कंडीशन बन गई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब हमारे मतलब शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चन खत्म हो गए पूरे अब आ चुके हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फाइंड द फोटो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन इस पॉइंट पर हमको इस मतलब इस लेंथ पर हमको फोटो एंड फॉन्ड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई बहुत ही सिंपल है पहले आप इस पर लेमडा मान लो लेमडा फाइंड करके डायरेक्शन रेस्योज निकाल लेना फिर दोनों का परपेंडिकुलरटी की कंडीशन निकाल के ले लेमडा की वैल्यू निकाल लेना लेमडा की वैल्यू वापस पुट करके पॉइंट निकाल लेना और पॉइंट से फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके पॉइंट आ जाएगा ले भाई तो बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है सो सिंपल अगला, अगला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फिर वही बात है लेमडा लेकर के आप जो है डायरेक्शन रेशियोज बनाइए परपेंडिकुलर करके जीरो करके पॉइंट निकालिए और उसके बाद डिस्टेंस निकाल लीजिए सो so, ये भी डन ओके देन इसके बाद फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस 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 टू द प्लेन अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ तो भैया लेंथ के लिए तो डायरेक्टली आप लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट तो लेंथ के लिए तो अच्छा लेंथ किसकी चाहिए है फोट ऑफ परपेंडिकुलर की ठीक है तो बहुत ही सिंपल है आप परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकाल लीजिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट आपको पॉइंट भी चाहिए था तो आपने नॉर्मल डाल दिया नॉर्मल डाल करके आपके पास एक लाइन बन गई ओके और लाइन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दिया आपने प्लेन के क्वेश्चन में लेमडा आ गया लेमडा की वैल्यू आपने पॉइंट्स में रख दी तो आपके पास पॉइंट मिल गए फिर आपको लेंथ परपेंडिकुलर निकाल दिया तो चलो पॉइंट भी मिल गया ये भी कर दिया बट यदि यही क्वेश्चन केवल परपेंडिकुलर लेंथ की होती तो अपन डायरेक्टली वाला फार्मूला वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ ए कर सकते थे यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस दिस लो भाई साहब दो प्लेन के पैरेलल है तो कैसे करेंगे इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मान लिया इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन एक्स प्लस इन दोनों के पैरेलल है ओके okay? तो इन दोनों को पहले ले तो के तो नॉर्मल के डायरेक्शन ये बन गए बहुत शानदार तो हमारे पास जो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा हमारा जो प्लेन आएगा वो दोनों के क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा बी वेक्टर वो इस तरीके का बन जाएगा मतलब हमने नॉर्मल इन दोनों प्लेन के नॉर्मल क्योंकि ये पैरल है ना अच्छा इसको समझो इस तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरल टू द प्लेन ये आपके पास एक पैरल प्लेन है ये आपके पास एक प्लेन है और पैरल टू द प्लेन ये और ये आपके पास एक प्लेन है नीचे इसके ये प्लेन है ओके तो इस चीज़ को महसूस करो कि इसका जो ये जो प्लेन के नॉर्मल होंगे ये दोनों इस पर लगेंगे ठीक है ना यस तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस ये इसका जो वेक्टर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा एन वन के और इसके भी परपेंडिकुलर होगा ओके दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा तो मतलब दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर तो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कितना होगा एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्रॉस एन टू इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा एन वन क्रॉस एन टू एन वन के भी और एन टू के भी वो कौन सा वेक्टर है ये वेक्टर बी वेक्टर जो लाइन को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्शन को एक तरीका ये भी है मेरे पास एक दूसरा तरीका उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये निकाल लिया अब इसके बाद भाई वैक्टर आ चुका है अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड डायरेक्शन भी मिल गई है तो इक्वेशन आ जाएगा सो सिंपल भाई करने की देरी आपके आराम से कर लोगे क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस दिस एंड एंड डिकुलर टू दिस लाइन लो भाई दो पॉइंट से जा रहा है परपेंडिकुलर इसके तो सबसे पहले अपन ने प्लेन का इक्वेशन मान लिया अब यदि परपेंडिकुलर है तो एवन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बराबर जीरो कंडीशन लगा के एबीसी की वैल्यू पुट कर दो डर ए बाई बारहवीं क्लास का क्वेश्चन सिंपल एकदम डन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन अब देखो भैया सबसे पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज़ बनाओ कहीं पैरल तो नहीं धोखा खा जाए तो ये भाई साहब पहले की और और और, और, और ये जरा देखो तीन आठ दो सोलह ना इसक्यू लाइन है भाई साहब तो इस्क्यू लाइन के लिए फार्मूला लगा दो बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन मॉड लगाना ए वन माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन कुछ भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉड लगा हुआ है अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू हो गया सॉल्व करके ये आपने इस तरीके से फार्मूला निकाल लिया ठीक है ना तो इसकी इसकी लाइंस थी इसलिए ऊपर वाला फार्मूला लग गया है स्क्यू लाइंस के लिए जो फार्मूला होता है वो याद कर लो कितना होता है बी वन क्रॉस बी टू ओके डॉट यहाँ पे ए टू माइनस ए वन होता है या ए वन माइनस ए टू कुछ भी कर दो अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू तो बहुत ही परिचित बहुत ही फेमस फार्मूला है ट्वेंटी वन का डन क्वेश्चन ओके उसके पहले ट्वेंटी कर लिया ट्वेंटी पर भी डन लगा हुआ है चलिए बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आगे चलते हैं भाई साहब फाइन द इक्वेशन फाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस देखो भाई इसके परपेंडिकुलर है तो पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से जाने वाले क्वेश्चन बनाओ फिर लेमडा के डम्स में इसको लिख लो ए वन ए टू बी वन वी डू सी वन सी टू जीरो कर दो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वापस पुट कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा